हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आरसीबी को आईपीएल 2023 में अपना पहला मुकाबला जो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है, जो खेला जाएगा 2 अप्रैल को। अब इस मैच से पहले आरसीबी टीम के कई खिलाड़ी बाहर भी हो गए हैं, तो ऐसे में पहले मैच के लिए आरसीबी टीम की एक फाइनल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन से 11 खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में हमारी ये वीडियो होने वाली है। आपको हर एक खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि हमें पहले मुकाबले के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इसके बारे में हम बातचीत कर लेंगे। वही दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए पहले मैच के लिए प्लेइंग 11, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो यार फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ वहां पर, उसे भी ज्वाइन करके रख लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2023 से ठीक पहले आरसीबी टीम को कई बड़े झटके लग चुके हैं, जहां पर पटीदार जो है शायद से फर्स्ट हाफ से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा जॉश हेजलवुड शुरुआती मैचों के लिए फिट नहीं है, वहीं दोस्तों हसरंगा जो है वो भी शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं। तो तीन बड़े झटके कहीं ना कहीं आरसीबी टीम को लग चुके हैं, जो कि प्लेइंग 11 में कन्फर्म थे, खेलने वाले थे, वो अब शायद से हमें शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे में इनकी जगह कौन लेगा, इनके बगैर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाइयों, इन खिलाड़ियों के बगैर जो है प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जहां पर दोस्तों ओपनिंग तो हमें विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी ही करते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 3 पर जहां पटीदार खेलने वाले थे, यहां पर लोमड़ोर या फिर सुरेश प्रभुदेसाई को आरसीबी टीम मौका दे सकती है। इसके बाद दोस्तों 4 पर मैक्सवेल ही खेलेंगे, वहीं 5 पर शाहबाज अहमद खेलते हुए दिखाई देंगे, तो नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक खेलेंगे। 7 पर भाइयों कर्ण शर्मा खेलेंगे, क्योंकि हसरंगा नहीं रहेंगे तो आरसीबी टीम जो है एक लेग स्पिनर खिलाना चाहेगी, ऐसे में कर्ण शर्मा खेल सकते हैं, अच्छे ऑलराउंडर भी हैं तो बल्ले से भी अच्छे हाथ आजमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर हर्षल पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे, वहीं 9 नंबर पर सिराज खेलेंगे और 10वें नंबर पर रीस टोपली खेलते हुए नजर आएंगे, जहां पर खेलते थे जॉश हेजलवुड। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर हमें सिद्धार्थ कौल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये मेरे हिसाब से हो सकती है आरसीबी टीम की फाइनल प्लेइंग 11 पहले मैच के लिए। आपके हिसाब से क्या हो सकती है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।